अगले कॉलर हैं बलदेव जी, स्वागत है आपका नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी। नमस्कार, जय हिंद बलदेव जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या सेवा की जाए नमस्कार जी। आपको आदाब, जय हिंद। बहन जी। जय, मैं पूछ रहा है, मेरा एक छोटा भाई है, हरिया है, उसको मांसपेशियां गलनी शुरू हो गई है, कुछ नाड़ियां दिमाग से जो खून देती है सर्कुलर वो भी गलना शुरू हो गई है, उसको कोई इलाज है आपके पास? कौन, कितनी उम्र है? तो उसकी उम्र है लगभग ये 40 के आसपास। जी ठीक है। किसी की भी मांसपेशियों में कमजोरी आती हो तो वो याद रखें कि एक नुस्खा लें, अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें अलसी, और अलसी को पाउडर बना लें, अलसी लें तकरीबन 400 ग्राम, इसको साफ सूफ करें, हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, और खशखाश लें 100 ग्राम, इसको खूब बारीक किसी तरह पीस लें, और किसी भी तरह इसको खूब बारीक करना है। किस तरह करना है आप देख लेना, बहुत बारीक होती है खशखाश, 100 ग्राम। और ये आपका इलायची आती है बड़ी वाली, या काली इलायची कहें या बड़ी वाली, दो इलायची आती है, एक छोटी जो हरी कहलाती है, एक बड़ी, ये ले 50 ग्राम, अलसी 400 ग्राम, खशखाश 100 ग्राम, और बड़ी इलायची 50 ग्राम, इन सब का पाउडर बना लें, और ये 1 चम्मच खाना है आपको रोज़ाना सुबह, और इसमें एक चुटकी से दो चुटकी खाने का वो सॉरी एक एक चुटकी से दो चुटकी गौंद स्या 1 चम्मच में मिला के सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दूध के साथ खाना है, और 2 टाइम खाना है। ये आप शुरू करें और हर महीने 2 महीने में हमें रिपोर्ट करते रहें, डॉक्टरों की दवा भी ना छोड़ें, और इसके लिए दुआ भी करें, और मैं भी इस बच्चे के लिए दुआ करूँगा। महाराष्ट्र से हैं गजेंद्र जी, स्वागत है आपका हेलो मैडम। नमस्ते मैडम। जी। नमस्कार सर। मेरी पत्नी है 57 साल की, कितने साल की? 57। जी। और पेट में गर्मी रहती है। हेलो, हम सुन रहे हैं, आप बताते रहिए। कमजोरी है, पेट में गर्मी रहती है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं, ठीक है और पैरों में दर्द है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, जो चक्कर आते हैं उसके लिए ऐसे बैठें सीधा और समझा दीजिए उन्हें, अगर वो देख रही हैं तो बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइज मेरी तरह करें, 3 मिनट सुबह, पूरे दिन में 3 मिनट ही एक्सरसाइज होनी चाहिए सुबह से शाम तक में, और ऐसे देखिए पूरी तरह ऐसे ओढ़ ऐसे, ये एक्सरसाइज भी 3 मिनट पूरे दिन में, एक साथ कोई नहीं कर सकता, एक एक मिनट करके करें, आधा आधा मिनट करके करें, लेकिन पूरे दिन में 6 मिनट हो जानी चाहिए। तो अगर 10 से 15 दिन करेंगे चक्कर उनके चले जाने चाहिए, ढूंढेंगे आप कहाँ गए चक्कर। अब पेट की गर्मी, पैरों में दर्द और कमजोरी, इन तीनों का एक इलाज बताता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, 3 चीज़ें आपके किचन में मिल जाती हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ों का पाउडर बनाएं, और ये 1 चम्मच सुबह खाने से पहले खाएं, और एक आता है नमक जैतून, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है, एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर और
ये जो 6 चीज़ों का पाउडर है ये पिला दीजिए अपनी पत्नी को और खिला दीजिए, और ये 2 गिलास पानी पिला दीजिए दिन में 1 बार या ज़्यादा 2 बार। बस पेट के सिस्टम, गर्मी, कब्ज़, एसिडिटी, ये सब पूरे पेट के सिस्टम के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए, मैदे के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। अब बचा जोड़ों का दर्द। एक आता है गौंद सियाह, काला गौंद इसे कहते हैं, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। इस असली लेकर 100 ग्राम भी असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दूध के साथ आप इन्हें आधा आधा ग्राम खिला दें। असली लेना ज़रूरी है, कड़वा बहुत होता है, ये रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बनाना पड़ेगा और इसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुंबई से हैं एसके मेहरा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, डॉक्टर साहब से बात करनी, जरा मैंने दवाई मंगवाई हुई है। मैं बात कर लीजिए जी, बात हो रही है, मिश्रा जी बताइए। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब, जय हिंद, स्वागत। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना क्रिएटिन प्रॉब्लम है थोड़ी, जून में चेक कराया था 1.28 था, ठीक है, तो मैंने आपके इधर फोन किया, तो उन्होंने मेरे को ये गोंद मरिंगा और ये जैतून का सिरका भेजा है, तो वो सिरका 2 टाइम पीना है गर्म पानी में, और ये गोंद मरिंगा बोलते 2 चुटकी खाना है 2 टाइम, ठीक है। हेलो जी, जी मैं सुन रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं जवाब दूंगा। हाँ जी, और ना अभी मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम जो गैप हो गया था थोड़ा सा, वो बहुत दर्द हो रहा है थोड़े दिन से। ठीक है ठीक है, तो मेरे को ये बता दीजिए क्रिएटिन प्रॉब्लम के लिए कितने दिन खाना है और कैसा रहेगा, और कुछ खाना है बता दीजिए मेरे को। ठीक है जी, देखिए ये तो आप एक एक चम्मच पानी में मिला कर लें, और एक नुस्खा जो मैं बताता हूँ अक्सर, पता नहीं आपने लिखा नहीं तो लिख लीजिए, स्प्लीन के लिए हो या किडनी के लिए हो, पेट के लिए हो, एसिडिटी, कब्ज़ और क्रिएटिनिन के लिए, लीवर के लिए, ये सब में काम आता है, ये लिख ज़रूर लें। अलसी तो आप जानते हैं, अलसी को हल्का सा भून लें, हल्का सा भून कर अलसी को और पाउडर बना के रख लें। और ये जो आपका ये है ना गोंद मोरिंगा आपके पास आ गया, तो वो 1-2 चुटकी 1 चम्मच अलसी में मिलाकर पानी के साथ ले लिया करें, और दिन में 2 बार ले सकते हैं, ये नुस्खा अच्छा है आपकी इन सब बीमारियों के लिए। लेकिन आपको लेना चाहिए था नमक जैतून, नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर, अगर अलसी का जो पाउडर मैंने अभी आपको बनाने को बताया है वो आधा या 1 चम्मच लें, 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर रोज़ाना कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लें, तो आपको पूरा फ़ायदा मुमकिन है जी। स्पाइन गैप देखिए, वो स्पाइन में अगर दर्द है और खिंचाव है, कमर की रीत की हड्डी में कहीं तकलीफ है, तो वो तो गौंद सियाह आप जानते ही हैं। गौंद सियाह अगर आपके पास है या नहीं है तो मंगा लें असली, आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के पश्चात बाद में पानी से या कम चर्बी के दूध से लेने से, चाहे हमारे स्पाइन में तकलीफ हो यानी कमर के डिस्क में या घुटने में हो, नसों में हो, पट्टों में हो, मोंढे में हो, कहीं भी अगर किसी को कोई तकलीफ लगती हो, तो ये आप गौंद सियाह असली अगर आधा आधा ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा मुमकिन है। सुनीता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, आप किन साहब जी से बात करवाइए हो? स्वागत है सुनीता जी का, जय हिंद। अच्छा, मेरे घुटनों में सोजी पाई है, दर्द होती है जी,
मेरे घुटनों में मैम दर्द रहता है, मेरे घुटनों में ना दर्द रहता है। सिरके में आपने बताया था अभी नींबू का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस, उसको मतलब गर्म भी करना मिलाना जब? हाँ, मिला के गर्म कर सकते हैं, इनको मिक्स करके गर्म कर सकते हैं, गर्म करके ठंडा कर लें तो ये और अच्छा हो जाता है। और तरीका असली यही है। आपकी तबीयत, घुटनों में दर्द कैसा है मैम, जवाब दीजिए। हाँ जी, आप टीवी सुन रहे हैं? हाँ, मैंने आपको देखिए जवाब दिया, और टीवी सुनने वालों से हमारी बात में प्रॉब्लम आती है, वो टीवी की तरफ उनका दिमाग रहता है तो हमारी बात पे तवज्जो नहीं दे पाते, और क्योंकि उनके टीवी की आवाज़ हमें आती है तो हमें भी दो दो आवाज़ें आती है, इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, माफ़ कीजिएगा। तो वो आप इस्तेमाल करें, आपने कुछ तबीयत भी नहीं बताई अपनी। यूट्यूब पर और फेसबुक पर मेरे नुस्खेजात मौजूद हैं, हकीम सुलेमान नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा पेज खुल जाता है, और आपको रोज़ाना दो चार नुस्खे मेरी तरफ से पहुंचते हैं। आपको जो नुस्खा चाहिए आपको रोज़ मिलेगा, और आप अगर उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें तो ज़िंदगी भर के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमारी तरफ से रोज़ दो चार पोस्ट जाती हैं जो किताबों से भी बहुत आगे की पोस्ट हैं, जो हम बात कर रहे हैं, आप और मैं जो बात कर रहे हैं, ये सब यूट्यूब पर पहुँच जाते हैं। आप अपनी बातचीत भी सुन सकते हैं ताकि आपको फायदा हो सके। अगले कॉलर हैं दीपक जी बरेली से, स्वागत है आपका। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे साइड की प्रॉब्लम है, जैसे स्कूल से प्रॉब्लम हो। क्या प्रॉब्लम है सर? सर टीवी का प्लीज वॉल्यूम कम कर दीजिए, दोबारा से बताइए क्या परेशानी है आपको, समय बहुत कम है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको साइनस की प्रॉब्लम है। साइनस? हाँ, वो साइनस की प्रॉब्लम है, पिछले 5-6 साल हो गए। साइनस ना? साइनस की प्रॉब्लम। देखिए, अब आप टीवी सुन सकते हैं। साइनस की प्रॉब्लम के लिए 6-7 महीना इलाज करने को तैयार रहना चाहिए, बमें इस शर्त के खट्टी चीज़ें छोड़ दें, ठंडी चीज़ें छोड़ दें। अगर आपको मुकम्मल फ़ायदा चाहिए, अपनी दवाएं भी खाते रहें, लेकिन सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। यानी 100-100 ग्राम मेरा मतलब नहीं है, इस रेशो से बनानी है दवा। आप 200-200 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन रेशो ये होना चाहिए, 100-100 ग्राम लें सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। उन्नाब की गुठली निकाल दें और 30 ग्राम आपके किचन में पीपले लें, वो गर्म मसालों में पीपला मूल जिसे कहते हैं, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, और ये ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें बिल्कुल 5-6 महीने के लिए छोड़ दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध हो चुके हैं, अब व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो वो टेस्ट कराता है, लेकिन हमने ये बात कहीं पे सुनी है कि जो हमारा यूरिन है अगर उसका भी कलर चेंज होता है तो समझ लीजिए हमें कोई ना कोई परेशानी है, हमें कोई ना कोई रोग है। लेकिन कुछ लोगों को झाग की शिकायत भी होती है यूरिन में, तो ये भी किसी तरीके की पहचान है किसी रोग को लेके? माशाल्लाह, देखो किसी ज़माने में सिर्फ पेशाब से या पॉटी को देखकर या कफ को देखकर, बलगम को देखकर ये पहचान होती थी, और एक माहिर तिब जो यानी हकीम या वैद होते थे, बस उन्होंने उस पर एक नज़र डाली और सारे टेस्ट हो गए। और आज भी ये है कि पेशाब के या लैट्रीन के कलर, बदबू और कफ को देखकर कोई भी जो ऐसा हकीम या वैद है जो जिसने किसी बड़े हकीम की खिदमत की है, उसे ये तजर्बा आज भी है। तो ये सही बात है कि अगर पेशाब में झाग आ रहे हैं तो होशियार हो जाना चाहिए, ज़्यादा झाग आ रहे हैं, पेशाब गाढ़ा आ रहा है तो होशियार हो जाना चाहिए, पेशाब पीला आ रहा है तो होशियार हो जाना चाहिए, और पेशाब सुर्खी माइल लालिमा लिए हुए आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। तो
इसमें क्या होता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें पेशाब के रास्ते लीक होने लगती हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उसके कलर और उसके गाढ़ेपन पर डिपेंड रहता है। तो अब तो वाकई बहुत तरह के टेस्ट चल पड़े हैं, लेकिन किसी ज़माने में बस यही था और इसी से सारी बीमारियों की शिनाख्त होती थी। इन्फेक्शन का मतलब होता है पेशाब बहुत पीला, और किडनी फंक्शन जब ख़राब होता है और प्रोटीन जाने लगती है तो सुर्खी माइल हो जाता है, लालिमा उसमें होती है, और सिर्फ प्रोटीन हो तो और इन्फेक्शन ना हो तो झाग वाला पेशाब आता है। ये सब पहचान है जो पुरानी है, 100 साल पहले, और अब सब टेस्ट आ गए हैं, वो टेस्ट भी अच्छे हैं, लेकिन हकीम और वैद्य पहले कभी टेस्ट नहीं कराते थे, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत से टेस्ट कभी नहीं कराए, और मैं अगर चाहूँ तो मैं अगर टेस्ट कराने लगूँ तो इस कदर उसका कमीशन मिलता है 40%, और क्योंकि मेरे साथ तो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैं करोड़ों टेस्ट करा लूं तो आप समझ लें कि करोड़ों रुपए मुझे उसके कमीशन के लीजिए, दलाली के लीजिए, इन सब के आने लगे। लेकिन मैंने आज तक दलाली का कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने कोई टेस्ट कराया, मुझे अपने तजुर्बे से काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। राजस्थान से हैं कोमल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्कार जी, मेरे आपसे दो सवाल थे। सर, मेरे माता जी ने 4-5 साल पहले मेहंदी डाली थी सिर में, तो सर उनके रेड रेशेज हो गए सिर में, और गर्मी के टाइम में उनपे आंखों में भारीपन और सिर में दर्द रहता है। और सर दूसरा सवाल ये कि मेरी उम्र 16 साल है, और सर ये मेरी हथेली बहुत गर्म रहती है, और सर आंखों के सामने बद्दे टाइप आ जाते हैं, काले बद्दे। ठीक है, माता जी के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद खरीदें, और नारियल पानी के साथ 1 ग्राम रोज़ाना एक बार दिया करें, उनकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। गौन मोरिंगा सफ़ेद असली लें तभी आपको फ़ायदा मुमकिन है। और आप गाजर का, अगर वक्त हो तो गाजर का 1 गिलास जूस, और अगर गाजर ना हो या मिलना मुश्किल हो, ऐसी जगहें जहाँ गाजर नहीं मिलती, तो सौंफ तो आप जानते हैं, 3 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में उबालें, आधा पानी जलने दें, जब आधा रह जाए इसे छान कर इसमें आप 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है।